हेलो हाँ या वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ओके, तो कल हमने किया था अपनी लास्ट क्लास में वातक, तो आज हम उसको मतलब ये हमारा लास्ट दो ही बचा हुआ है, तो हम आगे करने से पहले एक बार और से अनार से लेके वातक मैं आपका एक बार सुनूंगी, ठीक है? मतलब टेस्ट लूंगी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है लीना? ओके मैम, ओके, तो आप और और से अनार, सुनना और से अनार, और से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से उंगली, से ची, ए से एरी, ए से एनक, ओ से उखरी, औ से औरत, हाँ, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, क से घर, च से चम्मच, छ से छतरी, झ से जहाज, झ से झंडा, ट से टमाटर, थ से ठकेला, ठ से ठकेला, द से डमरू, ढ से ढक्कन, ट से तरबूज, ठ ठ से ख छ से खरगोश, खरगोश, और फिर से थर्मस, डर से दवाई, दवाई, और फिर से धनुष, से धनुष, डर से नर, फिर से पतंग, फिर से फल, फिर से बतख, फिर से भालू, माँ से मछली। मैम मत नहीं तो याद किया, अच्छा, ये या से यज्ञ, र से रथ, ल से लट्टू, व से वह नहीं किया? ओके, य से यज्ञ, र से रथ, ल से लट्टू, व से वाह। ओके ठीक वाह के है। ओके गुड। अब देखो, आपको पता है ये क्या है? वाह ओके, मैं आपको वो वाली इमेज सेंड कर वो वाली इमेज मैं शेयर करती हूँ, जो ओके हाँ जो हम लोग वो कर रहे थे ना, उसमें से हमें ज्यादा आसानी से आ जाएगा, तो मैं आपको वो सेंड करती हूँ। तो हम आ गए हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, ओके यहाँ पर है हमारा व से व हो गया था, लेकिन अभी आपको नहीं आया, तो य से या, र से रस्सी, ल र से ल से लट्टू, व से व, श से सलगम। सलगम आपने देखा होगा ऐसे करके बैगनी कलर का होता है, उसके बाद फिर ऐसे ओके व्हाइट कलर का होता है, ऊपर घास उगे होते हैं ना ऐसे ऐसे, हाँ इसे बोलते हैं सलगम, ठीक है? तो य से यज्ञ, र से रथ, ल से लट्टू, व से व, स से सलगम, ठीक है? आपको इतना याद करना था, इतना बहुत है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं आज, ठीक है? अगर एक दो इसमें से ओके नहीं आ रहे हो तो वो कोई मैटर नहीं करता, अब हम यहाँ चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा है बिना मात्रे वाले शब्द। अब मात्रा मैंने आपको बताया था, जैसे कि अ से अनार से लेके आपको अंग से अंगूर तक दिया था ना, यस मैम, वो थी मात्रा वाले। और क से कबूतर से लेके ज्ञ से ज्ञानी तक थे हमारे सिर्फ शब्द। तो चलो यहाँ पर जानते हैं। तो अब आपको यहाँ देखो, ध्यान से देखना है, तो दो वर्णमाला शब्द, अब इसमें दो वर्णमाला शब्द इन्होंने दिया है, इन शब्दों को पढ़िए। अब इन शब्दों को आपको पढ़ना है, तो कुछ आपको स्वर, मैंने आपको बताया था ना 11 स्वर होते हैं अ से लेके अ से और तक, यस मैम बताएं, और क से कबूतर से लेके ज्ञ से ज्ञानी तक होते हैं व्यंजन, यस ठीक है? मैम, ओके गुड। तो मुझे बताओ ये क्या है? अब आप नहीं, सिर्फ ये बताओ ये। और से ठीक है, अब ये क्या है?
ये क्या है? हाँ, एरी। एरी नहीं है बेटा, ये देखो मैंने क्या बताया था, बस से पतंग। बस बकरी। से बकरी। हाँ, बतख भी बोलो आप, भालू भी, बस से बतख भी बोल सकते हो, बस से बकरी भी। तो अब आपने अ और ब को जोड़ दिया, तो क्या बना ये अ और ब? और अब क्या बना? अब। आप वेरी गुड। अब देखो ये स्वर है अ से लेके अ से औरत तक, व्यंजन यहाँ दे रखे हैं आपको, और अगर आपने दो शब्दों को जोड़ दिया तो इनको शब्द बोला जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब आपने अच्छा। अब बहुत अच्छा पढ़ा, वेरी गुड। अब मुझे बताओ ये क्या है? ए ए वेरी गुड। और ये क्या है? स से, मैंने क्या बताया था? स से से मैंने आपको स से बताया था क्या होता है। हाँ, सरगम भी होता है, स से सपेरा, सरगम, ठीक है। ओके, तो हम चलते हैं अपनी बुक पर। तो अब मुझे बताओ आप कि ई और स को जोड़ दिया तो क्या हो गया? सर इस इस। वेरी गुड। अब हमारा ये क्या है? वेरी गुड। ये ना उड़ है, ये उन्नीस उड़ उड़ ये उड़ या वेरी गुड। उड़ यानी उड़ना, जो हम आसमान में उड़ते हैं ना, मैं इसे छोड़ दो। ये क्या है? अच्छा ये वाला वेरी मैम ये है एरी एक क्या है? ओके, ए हम थोड़ा यहाँ देखते हैं। ये देखो आपने यहाँ पढ़ा था, इसे इमली, इसे ही कुसे उल्लू, उसे ऊं, ऐसे एड़ी, आए से ऐनक, आए से ऐनक, ऐनक यानी चश्मा, ठीक यस है? हाँ, तो ए ए श एश, ये भी मैंने श आपको बताया था ना। अच्छा मुझे बताओ ये क्या है? अच्छा मैम मुझे अच्छा मुझे ये बताओ ये क्या है? क्या मैम ये का। और ये क्या है? ये से रस रोशन से, ये देखो मैंने आपको बताया था, रोशन रस से रस्सी या रस से रथ। रोशन हाँ, तो आपने क और र को जोड़ दिया तो ये क्या हो गया अलीना? क र रोशन हर कर। वेरी गुड। ओके, यहाँ तक बहुत अच्छा था आपका, शाबाश। थोड़े बहुत शब्द तो भूल जाते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा मुझे बताओ ये क्या है? ए और क क्या हो गया? एक। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ऐसे ही थोड़े बहुत शब्द पहचानने होते हैं, जो आपका बहुत अच्छा गया इस बार का, बहुत अच्छे। ओके, अब आपका ना एक फेवरेट चीज हम करते हैं। अब आप मुझे बताओ ये क्या है?
अनार अ से अनार के बाद आता है अ आ, ठीक के आम है। और ये क्या है? तो माँ ये क्या हो गया? आम आम। देखा, आम आम बन गया। तो ऐसे ही छोटे छोटे शब्दों से आप बड़ी बड़ी चीजें बना सकते हो। जैसे आम हो गया। अब यहाँ क म, काम। काम हमने ये नहीं लगाया है यहाँ पे, नहीं तो काम हो जाता। ठीक है, अब देखो ये जो बीच वाला डंडा है ना, जैसे हम अ हम लिखना हमें लिखना है अलीना। अली, जैसे ALI, उसके बाद NA, अलीना। तो आपका हिंदी में होगा अ, ल से लट्टू, और ली की मात्रा अली न, और अ से आम की ये वाली, जो ये रेड, ये वाली मात्रा, वाली यहाँ वाली आएगी। तो ये आपका ना, होगा मैं ये वाला ना अली मुझे समझ ही नहीं आता। न। यस, मुझे पता है। लेकिन अभी देखो, अभी आपने चाहे दो शब्द पढ़े, जैसे अब, इस, उड़, देश, और अगर आपने आम पढ़ा, कार पढ़ा, एक पढ़ा, ये शब्द आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपने बहुत अच्छी हिंदी पढ़ी है। तो अलीना बेटा, ये ना ऐसी आपका एक छोटा सा टेस्ट था। ठीक है, आप देखो, अब इसमें ना नीचे नीचे अगर हम जब जाएंगे तो हमें इजी से सिंपल सिंपल शब्द मिलेंगे। जैसे कल, क, ल, ल से लट्टू, कल। आ गया? अच्छा, यस मैम आ गया। ये मुझे बताओ ये क्या है? हाँ, ग म गम। डन, वेरी गुड। गम, या ओके। अब मुझे बताओ ये क्या है? क्या और ख छग चख, जग शक चख, चख, यानी चखना, किसी भी चीज को चखना। ओके, अब मुझे बताओ ये क्या है? अच्छा ग छाग जाग नहीं, ये हमने पढ़ा था ना, जैसे, छतरी जैसे नहीं, जैसे से चम्मच झंडा। जैसे झंडा हाँ, तो ज और ग क्या हो गया? और का जग ज चाग और ग हो गया जग। जग यानी जिसमें हम पानी पीते हैं ना, यस तो मैम। ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। आपने बहुत अच्छा रीड किया अलीना। अब आपका सिर्फ एक काम है। देखो, यहाँ से आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये टोटल ना आपको 11 दे रखा है, जो कि हमारा स्वर में जितने मात्राएं होते हैं उन उनमें से दे रखा है। तो आप ये वाले मत करना, ये नीचे आपको दे रखे हैं 12। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको दे रखे हैं 12। तो बेटा, आपको ये 12 ना अपने नोटबुक पे ऐसे लिखना है, क, फिर ऐसे वाला साइन, फिर ल से ल, फिर इन दोनों को मिला के कल। और फिर बेटा आपको ना मुझे रीडिंग करके भेजनी है इसकी। ठीक है, ये ओके बहुत मैम आपके आपको, हाँ, ये बहुत आसान है, बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये ओके होमवर्क मैम है, आपको ये करके सेंड करना है। ठीक है, ठीक ओके मैम है लीना बेटा, तो आप ये कर कर लिख कर मुझे रीड करके भेज देना। अब हम क्लास यहीं एंड ओके करते हैं। आप जब आप रीड करोगे, कोई भी दिक्कत आएगा तो आप डरना मत, कल हम उस दिक्कत के ऊपर काम करेंगे, यानी कल हम उस चीज को सीखने के बाद आगे चलेंगे। ठीक है, ओके मैम ओके, ठीक है लीना, बाय। बाय बाय।